ऐसा आरोप लगाई और वह मंत्री बैठा हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केस करो तो केस हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ ले लेते हैं, मुसलमान के लिए इतना नफरत है, सुनिए, मुसलमान में इतना नफरत है तो सबसे ज़्यादा दामाद भाजपा के घर में है। का खतरा है, जहिया अब्दुल हमीद जय थे टैंकवा फोड़े तो यह नहीं खतरा हुआ, जहिया कलाम जी राष्ट्रपति बने तो यह नहीं खतरा हुआ, आज खतरा हो गया मुस्लिम से। बारे बा हमारे मुँह में कोई डाल रहे कि बोलो, अरे वो तो देखाता है मीडिया वाला दिन भर, जब देखो तो जला एक चैनल चलता है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। मोदी जी थप्पड़ लगाएंगे, लग रहा है थप्पड़ लगाएंगे मोदी जी के दम है कि अकेले जा करके उसमें थप्पड़ लगा देंगे, हिला नहीं देगा। जो कह रहा है कि हमारा भी जनता है हिला देंगे, तो मोदी जी के हिला देगा, चल आएंगे नीचे। आज जिस देश का प्रधानमंत्री फोटो जी और व्यापारी होगा, उस देश की जनता भिखारी होगी। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। महिला रेसलर का आज 13वां दिन है, जो आज तक वो अभी तक धरने पे अभी तक न्याय नहीं मिला है उनको, और आगे भी उन लोगों का ये धरना जारी रहेगा। मेरे साथ हैं, अभी बिहार से ये आए हैं, LIC के एजेंट है ये, कुछ कहना चाहते हैं, बिहार से आए इनके सपोर्ट में इतनी दूर से। देखिए, हम बिहार से आए हैं, जब हम लोग टीवी पर देखे, बिहार में कहाँ से, सासाराम रोहतास जिला, सासाराम जो है ना रोहतास जिले में पड़ता है, और सासाराम में ही मैं रहता हूँ। जब टीवी पर देखा कि महिला पहलवान है, अनशन पर बैठी है, देश के खेल मंत्री के खिलाफ उनका आरोप है, और वो लोग यहाँ धरने पर बैठी हैं और कोई सुनने नहीं आ रहा है, यहाँ पर पूरा दिल्ली बैठी है, भारत का हृदय बैठा है, तो जब ऐसे लोग की आवाज़ जब नहीं सुनी जा रही है, तो हम कीड़ा मकोड़ा का बात कोई सुन पाएगा? इसलिए अंदर आया कि जितना ऊर्जा हो सके चलो कुछ तो सहभागी दे करके आए अपने जीवन का बेटियों के पक्ष में। जो ऐसा आरोप लगाई और वह मंत्री बैठा हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केस करो तो केस हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। मन की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री, मन की बात करते हैं, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हाँ। कि सभी लोग को अपने अपने एरिया में मन की बात रेडियो पर जाकर सुनना होगा, रेडियो से अंदर में जाकर के सुनना होगा, फोटो खिंचवा कर। अरे इस देश का प्रधानमंत्री फोटो जी भी है। हाँ। आज जिस देश का प्रधानमंत्री फोटो जी भी और व्यापारी होगा। हाँ। उस देश की जनता भिखारी होगी। अरे तो आपको बृजभूषण सिंह से मतलब है, या प्रधानमंत्री मोदी से गुस्सा है, किससे है? अच्छा ये बताइए, आपके पास जब यह रिकॉर्डिंग चल रहा है तो यह और यह दोनों काम कर रहा है। हाँ। तो इस देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से कहे नहीं, बृजभूषण से और प्रधानमंत्री से कहे नहीं है। हाँ। बाजी बा, उसका प्रधानमंत्री गलती करता है, यदि बेटा गलती करता है तो बाप तमाचा लगाता है। हाँ। नहीं तो यदि बेटा बदतमीज होगा तो बाप चुपचाप ताकता रहता है। हाँ। वही अभी स्थिति हुई है, बदतमीज हो गया। हाँ, बेटा बदतमीज है, तभी तो कौन थप्पड़ लगाएगा? मोदी जी थप्पड़ लगाएंगे, लग रहा है थप्पड़ लगाएंगे मोदी जी के दम है कि अकेले जा करके उसमें थप्पड़ लगा देंगे, हिला नहीं देगा। जो कह रहा है कि हमारा भी जनता है हिला देंगे। हाँ। तो मोदी जी के हिला देगा, चल आएंगे नीचे। मोदी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। मोदी जी लोकप्रिय नेता थे ना। हाँ। तो काहे गुजरात ले आ गए सुरक्षित सीट जोशी जी के विधान लोकसभा में चुनाव लड़े? हाँ। काहे नहीं गुजराते में लोकसभा का चुनाव हुआ, लड़के विधान पहुंच गए। हाँ। है, अरे डरपोक नंबर एक है, कैमरा पर बोलने में बहादुर भले हैं। हाँ। कैमरा पर जी गलत है, आप हमारे प्रधानमंत्री पे ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री को हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए। हाँ। प्रधानमंत्री जी, यह बात गलत है कि गुजरात से आए थे बनारस में लड़ने के लिए। हाँ। यह बात गलत है कि कहे कि हम सेनाओं के साथ रहते हैं, और जब सेना उनके खिलाफ में लड़ने के लिए आ गया तो उसका चुनाव आयोग को मिला करके रद्द करवा दिए नॉमिनेशन। हाँ। उसको भर नहीं दिए, यह गलत है। ये लाइए किनारे कर दिए। कहाँ का कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है। कहते थे अरे 56 इंची के दिखाता है अनपढ़ गवार। 56 इंची वही नापता है जो फौज में भर्ती होता है, उसका लक्षण ना पाता है जी। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, राजीव गांधी जैसा होना चाहिए, BP सिंह के जैसा। उनको राहुल गांधी को तो पप्पू कह दिया, पप्पू कहते हैं लोग उनको तो संसद से हटा दिया गया। देखिए,
अभी भी जहाँ तक रवीश कुमार की बात है, सुधीर चौधरी संदीप जी थे, संदीप जी की बात है, मीडिया में देखिएगा तो दो गो अभी कैमरामैन में स्तंभ बचे हुए हैं, परसून वाजपेयी अभी हट गए माने यूट्यूब चलाते हैं, अभिषार शर्मा यूट्यूब चलाते हैं, बहुत लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, सत्ता में जो है उससे विपक्ष सवाल करेगा, तो मोदी जी से सवाल करिए तो देशद्रोही हो जाइए। मोदी जी के यदि आपका 56 कांग्रेसी है आप, आपको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है ये बताइए। अल्लाह ये कांग्रेसी है, अरे फंडिंग मिल रहा है, अरे कौन फंडिंग कर रहा है आपको? ये मैं फंडिंग का कौन बात आ गई ले भैया, ये मैं फंडिंग हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमें कोई डाल रहा है? हमारे मुँह में कोई डाल रहा है कि बोलो? अरे वो तो दिखाता है मीडिया वाला दिन भर, जब देखो तो जला एक चैनल चलता है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, पाकिस्तान में आटा 500 रुपए किलो, अरे भारत में हम बानी भारत के आटा 100 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, भारत के दिखाओ, और ना तो दिखाना है तो अमेरिका के सुरक्षा से पढ़ाई से व्यवस्था दिखाओ, उसकी शासन व्यवस्था से दिखाओ, वहाँ तो ट्रंप पर केस हो गया। मुस्लिम से खतरा नहीं है देश को? का खतरा है, जैया अब्दुल हमीद जैसे टैंकवा फोड़े तहिया नहीं खतरा हुआ, जैया कलाम जी राष्ट्रपति बने तहिया नहीं खतरा हुआ, आज खतरा हो गया मुस्लिम से? बारे बा जब फायदा बोलते हाउ जा सुनिए, ए भाई सुनिए ना, पहले जा करके हाउ मैच खेलता है मोहम्मद शमी या सिराज, जब विकेट लेता है तो मजा आता है, एक बाद वो मुसलमान हो जाता है, तो कह लिए आप लेते हैं, मत लीजिए कह लिए लेते हैं, मुसलमान के इतना नफरत है, सुनिए मुसलमान में इतना नफरत है तो सबसे ज्यादा दामाद भाजपा के घर में है, सबसे ज्यादा भाजपा के घर में दामाद है, दूसरों के घर में दामाद है। अरे कहा चल रहा है, खाए के ढेर में ठेकार ना, भिखारी का पेट देखे हैं? भिखारी वैसे चलता है या पेट अंदर रहता है, वही हाल हो गया है भारत का, न पढ़ाई पर व्यवस्था है, एक एक करके सब प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं पुलवामा में प्रधानमंत्री का हाथ है, कुछ भी कह रहे हैं लोग। तो सत्यपाल मलिक हमारा घर के रहन का है, सत्यपाल मलिक हमारा घर के रहन की उनके घरवा के रहन, उनकर जमीर जागल आ बोल दिलन तब विरोधी हो गिलन, आ जब तक उनकर चपट चम्मच चाटत रहन तब तक बढ़िया रहन, तो सत्यपाल मलिक कैसे बढ़िया रहन कैसे खराब रहे तो उ न से साबित करेंगे। अपराधी थर थर कांप रहा है, यूपी में राम राज है, बुलडोजर राज है। तो अपराधी जब काम रहा है, अपराधी जब कांप रहा है तो रुक जाइए, हेजा चलिए, बड़का गो लागल बा बोर्ड एगो ब्रिजभूषण के, बड़का गो कई गो धारा के, तो वो अपराधी कहे नहीं कांप रहा है, ब्रिजभूषण के कई धाराओं में केस है, मोदी जी ना ब्रिजभूषण से पूरा डर रहे हैं, वो में दूरा नहीं है, छह बार के सांसद भी तो हैं, अरे भैया छह बार पूरी कार्रवाई होगी तभी तो कुछ होगा, जब सांसद इतना माननीय है तो अतीक अहमद भी तो सांसद थे, विधायक थे, तो अब कैसे ऊपर भ्रष्टाचारी हो गए? अतीक अहमद इस देश का आदमी नहीं था, है वो तो औरत उठाता था, अच्छा वो माफिया हो गए राहुल सरकार, अरे भैया रुकिए ना, अभी रुकिए ना, तो आप बोलिए साधु संत है ये भी तो माफी है। अरे देखते ना टीका लगा के रखते हैं, टीका कौन लगाता है? आसाराम का चेला लगाता है, राम रहीम का चेला लगाता है, राम रहीम का चेला लगाता है, जितना सुनिए जितना गिरफ्तारी हुआ कांग्रेस के शासन में टीका धरियन के, एको दिन अर्थ गिरफ्तारी हुआ है, सब भाजपा में शुद्ध हो गया है, भाजपा के साबुन से नहा रहे का है, राम रहीम को परेल दे देते हो, एक गरीब जनता कौना जनता के परेल देते हो भैया, वो आता है बाहर से आपका प्रचार करता है तो कहते हैं कि राम रहीम बढ़िया है, बाकी ये सब चोर है, ये लगता है जी न्यूज ज्यादा देखते हैं इसलिए उनका। यदि ये कह रहे हैं, यदि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की हाथ नहीं है तो इनको समाचार मालूम नहीं है, अरे इसमें सब एक ही चीज मिला जुला करके है, भाजपा का जो है नींव वो पहले भी समानती था और आज भी सामंती है, आज भी सामंती है, जैसे कि देख लीजिए भाजपा में सबसे ज़्यादा जातीय व्यवस्था पर भी जाइएगा तो जो वही है जो हम लोग को शूद्र बोलता है, जो हम लोग को शूद्र बोलता है, जो कहता है हिंदू राष्ट्र, वही है भाजपा में सबसे ज़्यादा, और शूद्र में वही शूद्र उधर है जो उसको चापलूसी करके सत्ता चाटनी है, जैसे आपको अभी जाति का जनगणना भी बंद हो गया बिहार में। अरे भैया मोदी जी जब तक रहेंगे सब कानून उनके हाथ में है, हाँ वो
वो एक साबुन है, देखिए वो साबुन है। हम लोग के यहाँ बिहार में जनगणना हो रही थी। अरे भैया जब गाय का जनगणना चलाते हो, कौवा का जनगणना कराते हो, तो आदमी के जनगणना कराने में कौन सा दर्द हो गया? आप जनगणना करा लीजिए। दूध का दूध पानी के, जब सत्ता जनसंख्या के अधिकार से चलेगा, जनसंख्या में जितनी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तब आपको जनगणना में क्या बात है, क्या देरी है? नहीं, बेटियों के साथ क्या होगा, मुद्दे पे आते हैं। बेटी अभी यहाँ 13 दिन हो चुका है, देश का नाम रोशन कर चुका है, ये सारे बच्चे जो है देश का नाम रोशन कर चुके हैं, अब क्या होगा? रुके आप कह रही है ना, देखिए आप जब जो भी सवाल की हैं, अब फिर देखिए एक बात स्पष्ट है, कैसे भाजपा सत्ता में आई, एगो था अन्ना हजारे, एक कांड हुआ तो पूरा आया करके दिल्ली में बैठा था रामलीला मैदान में। अन्ना हजारे को इतना दिन में कहियो जागे हुए देखे हैं? कुंभकर्ण एगो कहता था कि सोया रहता था, एक खाली लड़ाई में जागा था, वही है अन्ना हजारे अभी सोया है। एक जमाना था कि देश की प्रथम महिला IPS ईमानदार IPS कहलाती थी किरण बेदी, वही इसी दिल्ली की, और इसी दिल्ली में रेपिस्ट का आरोप माने यौन शोषण का आरोप लगा करके देश का खिलाड़ी बैठी हुई है और किरण बेदी आराम से सोई हुई है। अरे पीटी उषा भी इनका समर्थन नहीं कर रही है, पीटी उषा तो ऐसा ही साफ है कि राज्यसभा का मनोनीत सदस्य पीटी उषा तो क्या बोलेगी? पॉक्सो एक्ट में जैसे ही मुकदमा दायर होता है, तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसमें कहां से आ गया कि मोदी जब कहेंगे, योगी जब कहेंगे, अमित शाह जब कहेंगे, तब हम इस्तीफा दें? ये भी कह रहे हैं हम अपराधी नहीं, अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दें। अपराधी कैसे, वो क्या जज हैं? क्या कोई न्याय व्यवस्था है? अपने से अपने को इनोसेंट साबित कर दिए, जब अपराधी नहीं तो उन पे FIR कैसे हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट में? उनकी क्या गलती है, कानून कार्रवाई करेगी, अलाउ नहीं कर रहे हैं? जब तक पोस्ट पर बैठे हैं तब तक जांच प्रभावित होती है, उन्हें तुरंत पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं, कोर्ट ने उनका केस रद्द कर दिया, बोला अब लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जितने, अभी बताइए ब्रिजभूषण पर, सुनिए ब्रिजभूषण पर 38 केस हुआ है। अरे भैया हेजा जो है वो का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिस्ट टंगा हुआ है 38 केस का, ऐसा ही हो गया रातों रात, ऐसा ही जैसे पहले होता था कि रात में ये हो गया, तो उसी तरह नहीं हुआ है। 38 केस के पीछे कारण है कितना इसमें। जब मुस्लिम होता तो क्या होता? अरे अभी मुस्लिम रहता तो अतीक अहमद के तरह ले जाते लोग कोर्ट में या ठोक देते। अतीक अहमद को जैसे ले जा रहे थे कोर्ट में और ठोक दिए, उसी तरह अभी मुस्लिम रहता तो लोग ले जा करके ठोक देते। समझ जाइए, खाली मुस्लिम ही नहीं, अगर कोई अपोजिशन का पार्टी का होता है या कोई दूसरा नेता होता है, जैसे सिसोदिया अंदर है, राहुल जी का भी जैसे हो गया 2 साल सांसद उनकी विफल कर दी, तो इसी तरह से कोई भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी। तो देखा आपने, ये बिहार से आए हुए इतने दूर से, इन्होंने टीवी में देखा कि पहलवान जो है धरने पर है, तो ये वहाँ से अपना काम छोड़ के आ गए यहाँ, सिर्फ टीवी पे देख के कि महिला पहलवान जो है यहाँ पे धरने पे है, और वो अपना सारा काम छोड़ के देश की बेटियों को अपना समर्थन देने के लिए आ गए। इनमें से कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं ये लड़कियाँ गलत बोल रही हैं, कई सारे लोग जो सच मान रहे हैं वो इनका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग इस पूरी खबर पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।